एकदम से फैट है इसमें। क्या सलंग ये बाल निकला है भैया आपके काटे कबाब के अंदर, इधर देखो। हाँ जी दूसरा कर देंगे, मतलब भैया ये हम पूरा फेंक रहे हैं इसके अंदर डस्टबिन के अंदर। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रोहिणी, सारे इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे जाके हम क्या खाने वाले हैं आज? काठी कबाब कुलचा अनलिमिटेड, वो भी 149 रुपीस के अंदर। तो वहाँ जाके देखते हैं जो अंकल जी हैं वो कितना खा पाते हैं। अंकल जी मतलब अभी तक किसी ने 12 खाया मैक्सिमम, हो सकता है मैं आज पार कर दूं। अरे नहीं तोड़ पाओगे अंकल, अंकल जी नहीं खा पाएंगे, रोहिणी वाले तोड़ सकते हैं। तो वहां जाके देखते हैं कि जो टेस्ट है इसका कैसा है। एंड भाई YouTube Instagram सब जगह इतनी वायरल हो रखी है ना, वाली शॉप मिक्स रिव्यूज है। खैर अपना ओपिनियन होता भाई, देखो किसी का टेस्ट अलग होता है, किसी का मुख सबका मुख होता है अलग होता है। देखते हैं जाएंगे तो किसको अच्छा लगता है किसको नहीं। चलो करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट, सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट इज अप गाइस, अपन ब्लॉग्स बैक हियर। सामने वाले भैया रावण लेके जा रहे हैं गाड़ी की छत पे रख के। क्या कह रहा था एक्सेंट? मैं तो देखो लगा एक्सेंट है, दूर से लगा मेरे को। और देखो ये छोटे वाला रावण है 5 फुट का। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज ट्रैफिक हमको नहीं मिल रहा और वो बस वाले को देखो वो रॉन्ग साइड से आ रहा है। वाह यार चिराग भैया उसकी हाँ भैया लिखा होता है आई एम ड्राइविंग इन माई लेन आर यू। बसों के पीछे ना आजकल कोट लगा दिया है, आई एम ड्राइविंग इन माई लेन आर यू। लेन में तो गया अपनी लेन पे जा रहा है क्या पूरी रोड में। और कोई चौक वोक भी नहीं, बत्ती भी फॉलो करते हैं। ये S22 अल्ट्रा ना चिराग भैया का, इसके अंदर 100x जूम मिलता है ये देखो। और ये ऑप्टिकल है डिजिटल है? ऑप्टिकल है ये, 100 तो डिजिटल। हाँ तो ऑब्वियसली कह रहा ऑप्टिकल है, 30 तक है लेकिन भाई इसकी लुक्स बहुत अच्छी हैं। बट अगेन यार आईफोन में कब आएगा इतना जूम? भाई अभी हम आ गए हैं गरीब दी हट्टी पे, यहाँ मिलते हैं अनलिमिटेड काठी कबाब। और देखो लोग भी खाने का लुफ्त उठा रहे हैं। देखो भाई देखो भीड़ तो है, जो मैंने देखा नोटिस करा भीड़ तो यहाँ पे है। अब जाके देखते हैं कि जो टेस्ट है वो कैसा होता है। तो ये शॉप पर हम आ गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 149 में कुल चाय काठी कबाब, वो भी अनलिमिटेड है, शेयरिंग इसमें अलाउड नहीं है और गाड़ी में जाके खाना नहीं है। ये काठी कबाब है, ये इसकी मेकिंग देख लो, ये इस पे सोया ग्रैन्यूल्स की ग्रेवी गई है, ये कुलचे पलट रहे हैं ऐसे, और ये यहाँ पे ये काठी कबाब है इनके। तो हमने नॉर्मल वाला लिया है, हमने कोई अनलिमिटेड वाला ऑफर नहीं लिया इनका। अभी यहाँ पे जो भैया है ना वो तो है नहीं, लेकिन अब यहाँ पे उनका टेस्ट करके चलते हैं कैसे होता है भाई। लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पे ना जब आप आते हो 2 बजे तो आपको स्टॉक नहीं मिलता, हमें तो देखो मिला है। और हम आपको दिखा देता हूँ भाई टाइमिंग स्टार्ट यहाँ पे 2 बजे, पर अभी हम 5 बजे आए हैं देख लो, और हमको जो ऑर्डर है मिल रहा है। हाँ भाई भीड़ है देख लो, भीड़ तो है और सारे मेनली लोग खाने आ रहे हैं अनलिमिटेड वाला ऑफर। ये आ गए हमारे काठी कबाब, ले लो अंकल जी रख लो यहाँ पे। अब एक बार भैया ट्राई करने वाले हैं, कितने पीस आएंगे कबाब के बताओ? 2 स्टिक आई हैं कबाब के, सिर्फ 2 स्टिक आई हैं। और हमसे इन्होंने पूछा था कि आपको अनलिमिटेड वाला ऑफर चाहिए, हमने उसके लिए मना कर दिया। खुदा ना ऑनेस्ट बिल्कुल, कैसा लगा? कैसा अच्छा है? 10 में से कितना? 1। चिराग भी ने इसको रेट करा है 10 में से 1। जितने मैंने वीडियो पे देखे थे ना वीडियोस वगैरह सारे वो यही बोलते हैं कि ओवर हाइप बनाया हुआ है उसको, कुछ और ओवर हाइप करा हुआ है। क्या रे टेस्ट खराब हो गया क्या हुआ? मेरा टेस्ट खराब हो गया। तो अभी ना अंकल और मैं ट्राई करने वाले हैं एक बार, मैं तो बस ट्राई करने वाला हूँ, चिराग भी ने बता दिया कैसा है। तो ये मैंने कुलचा लिया है, अंकल ट्राई करो। ऑल द बेस्ट। तो क्या था टेस्ट में? क्या सलंग लगाऊंगा टेस्ट में? ये खास कुछ कुछ नहीं लगा भैया, भाई ओवरहाइप वाली बात है, मेरे को फीका लगा टेस्ट में यार, ऐसे टेस्ट करता हूँ। भैया एक बार ट्राई करना है तो आ जाओ, मैं तो बोलूँगा। तो फिर आप मैंने बोला है भाई मेरे वर्ड्स हैं, आपको कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना। एक बार ना 2-3 लोगों से पूछा है, मतलब खा रहे हैं उनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगता है। लाइट है सरप्राइजिंगली, अंकल की प्लेट में तो एक बाल भी आ गया है, ये देखो। अब ये चिराग भैया ने देखा, मैंने नहीं देखा भैया, आ रहा जरा एक बार। ये बाल निकला है भैया आपके काठी कबाब के अंदर, ये तो देखो। हाँ जी दूसरा कर देंगे, मतलब भैया ये क्या बात होती है दूसरा कर देंगे? अंदर ओनर बैठे हुए हैं, उनको वो बोल रहे हैं बंदे भेजे जा रहे हैं अपने, वो कह रहे हैं दूसरा कर देंगे। ठीक है भाई देख लो, ये ऐसे का ऐसा है, ये हम पूरा फेंक रहे हैं इसके अंदर डस्टबिन के अंदर। ये ऑनेस्ट रिव्यू है गरीब दी हट्टी का जो रोहिणी में है, ये देख लो। मेरा तो ये था कि बाकी लोगों से पूछूं कैसा लग रहा था टेस्ट,
बट मेरा बाल देख कर वो भी चिराग भैया ने बताया कि बाल दिख रहा है इसके अंदर यार। और वो आंटी अपना अलग बोलने लग गई, ऐसा नहीं करते प्लीज़ वीडियो मत डालो यार, ऐसे तो थोड़ी होता है यार, तुम लोगों को खाना सर्व कर रहे हो, कम से कम थोड़ा साफ सफाई से तो खाना बनाओ। भैया मैंने शुरू किया जब खाने, तो खाने में तो टेस्ट हमें खास कुछ आया नहीं, लेकिन भैया मैं सोचा कि यार 150 रुपये अगर दिया गया है तो कैसे न कैसे मैं इसको खाऊंगा पैसा, क्योंकि भाई पैसे लगे हुए हैं। हाँ। पैसे वेस्ट नहीं होते 150 रुपये भाई, इतना से भाई, किसी बंदे से पूछो बड़ा अमाउंट है खाने के लिए। भैया दो कुलचे दिए थे उसमें आधा भी नहीं खाया था, उसमें देखा बाल, वो भी हुआ क्या कि मैं तो खा रहा था, वो भी इन्होंने बता दिया कि बाल ये देखिए देख, हाँ दिख गया वो इनको, इनकी नजरें मतलब भाई है ना वकील की नजरें होती हैं, बिल्कुल चील की नजरें, चील की नजरें। अब अंदर जो गया था, नहीं नहीं अंकल जी तो खाना बनता ही नहीं है ना, अगर बाल दिख गया तो वो चाहे दोबारा बना कर देते, बाल तो फिर पड़ा ही हुआ है ना। इनका लड़का क्या बोल रहा है, रुक जाओ दूसरा दे देता हूं। नहीं भाई ये कोई बात थोड़ी होती है, तुमको अपोलोजाइज करना चाहिए, वो अपना भाई एटीट्यूड में दूसरा दे देता हूं भाई, क्या हो गया दूसरा दे देता हूं। नहीं फिर वो मैडम क्यों बैठी है, मैडम क्या बोल रही, भैया मैं तो यहाँ से लड्डू लाई थी उसमें निकले हल्दीराम, नहीं वो अपना हल्दीराम को बोलने लग गए, वहाँ से लड्डू लाए उसमें बाल निकला, भाई तुम अपना देखो ना हाइजीन, तुम किसी और को क्यों बोल रहे हो। सही बात है, जब तुम्हारा तुमको हाइजीन तुमको देखना चाहिए, तुम अगर किसी को 150 रुपये में खाना खिला रहे हो तो अच्छे से खिलाओ, क्वांटिटी अच्छी दो, पैसे इंक्रीज तुमने कर दी 99 रुपये से 150 रुपये, कोई बात नहीं। लेकिन बंदे कैसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं नहीं अंकल जी मिक्स रिव्यूज है, और भाई जो लोगों ने कहा था अगर आप यहाँ पे आ रहे हो बाल दिखते खाने में तो भाई किसी का मन नहीं करेगा, कितना मुझे अच्छा भी टेस्ट हो। वहाँ से निकल के अब हम NSP आए हैं, यहाँ पे कुछ खा रहे हैं बिकॉज बहुत इसकी भूख लग रही थी, और हम तो कुछ खाने की तलाश में निकले थे। एक्चुअली हमारा नॉर्मली प्लान बन गया था कि जो बैठे हुए थे कि कहाँ चलना है, तो चिराग भैया ने बोला चलो वहीं चलते हैं, थोड़ी हाई बन रखी है, आई थॉट कि चलो भाई वीडियो बना लेंगे। यहाँ पर आती ना सारे लोग आ जाते हैं कि कहाँ से चाहिए इतने मेन्यू ले आए, बाकी अभी ये फायदा है 100x जूम का, वो भाई देखो कितना दूर है, और ये चिराग भी है इसको अपने फोन से देख रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई फ्री में खाने गए थे, ये कर दिया वो कर दिया, भाई देखो पूरा पेड है, 300 रुपये दिए दो प्लेट के, दो केक के लिखा भी हुआ है। फिर अभी हम मेले में आए थे, यहाँ पे चिराग भी की फ्रेंड का कॉल आ गया कि आप हमसे मिलने आ जाओ, चिराग भी अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, ओके भाई। छोटे लाल केटरर्स, ये आप ही की है, मेरे नाम की है तो मेरा ही होगा, क्या बात है, बहुत फैले हुए बिजनेस है, हाँ पता नहीं किसी को, ये बात तो है भैया। जैसे अंकल जी आइसक्रीम वाले भैया चिराग भैया को जानते हैं, वैसे सब लोग आपको भी जानते हैं। चल 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 चल, चल। बाकी अभी आ गया हूँ मैं कटवाने के लिए अपने बाल, ये देख लो ऐसे यहाँ से बढ़ गए हैं, तो अभी थोड़ा कटवा लेता हूँ अपने। चलो जी अपना जो हेयर कट है वो भी हो गया डन, मेरे को थोड़ी बहुत आज के काम थे, सारे काम आज के डन हो गए, और बस अब थोड़ी सी भूख लग रही है, बिकॉज वहाँ पर मैंने खाया था सैंडविच और वो भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में भाई क्या बताऊँ, जो भी आप लोग मैंने पूरा मेरा आज का ब्लॉग जो कैसा लगा बताना कमेंट्स में, हमें पूरा देखा गरीबी हट्टी के बारे में कि कैसे उनको खाना है। खत्म करता हूँ अपने आज के ब्लॉग में, यहीं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ गाइस, बाय बाय। मतलब किसी ने बोतल में मिक्स कर दी, मतलब बोतल कौन सी थी, ग्लेनफिडिक की, और उसमें क्या मिक्स था ये क्या मुझे पता, मैं सामने मिक्स करा है और तुम पी गए, तुमको पता लग गया।